हेलो एंड वेलकम। ये हरि सिंह वाली स्टोरी का पार्ट टू है जिसके हम मेन पॉइंट्स पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक पढ़ा था, विद दैट मनी ही कुड लिव लाइक अ रिच अरब फॉर 2 वीक। वो कहता है कि इतने पैसे को चुराने के बाद तो मैं 2 हफ्तों तक एक अमीर अरबिक आदमी की तरह यानी अरबी शेफ की तरह जी सकता हूँ। ही कुड इजिली जंप इन टू द लखनऊ ट्रेन। वो आराम से लखनऊ की ट्रेन के लिए जा सकता है, बट हेजिटेट एंड रिमेन स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। बट वो ना जा नहीं पाता है, क्योंकि जब आप कोई बुरा काम करते हैं और सामने वाले ने आपके साथ अच्छा करा है, तो आप जल्दी से उसे लीव आउट नहीं कर सकते। तो वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है, उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। ही हैड नो फ्रेंड्स टू गो। उसका कोई दोस्त ही नहीं होता जहाँ वो जाए। एंड द ओनली पर्सन ही न्यू वाज अनिल, हुम ही हैड रॉब्ड अ फ्यू आवर्स अगो। सिर्फ वो पूरी दुनिया में जिसको जानता है वो अनिल है, और जिसको उसने अभी कुछ घंटे पहले ही उसके यहाँ चोरी करी हुई है, उसको लूटा है। इट वॉज अ चिली नाइट एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू हिज प्रॉब्लम। सर्दियों की रात होती है और हल्की हल्की बारिश भी होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे ठंड भी लगती है। हरि सिंह हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज एजुकेशन इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। हरि सिंह सब कुछ भूल जाता है अपनी चोरी के लालच में आके, एंड रियलाइज दैट द एजुकेशन कुड ब्रिंग हिम कैरेक्टर स्केच मोर मनी देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। फिर उसे ख्याल आता है कि एजुकेशन जो हरि सिंह ने उसे दी है, जो अच्छी बातें उसने बताई है, जो मेहसान जो मेहनत उसने उसके ऊपर करी है, वो इन 600 रुपए से कहीं ज्यादा है। हरि सिंह वेंट बैक टू द रूम। हरि सिंह वापस रूम में जाता है एंड पुट द वेट नोट्स अंडर द मैट्रेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन इट। वो वापस से उन नोट्स को वहीं रख देता है जहां से उसने चुराए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अनिल स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स द नरेटर। अगले दिन अनिल जो है, जो नरेटर हरि सिंह की तरफ अपने हाथों को मतलब लेता है, होल्डिंग फाइन आ 50 रुपी नोट, और क्या करता है वो उसे 50 रुपए देता है और कहता है ये लो 50 रुपए, मतलब ये मेरी तरफ से है 50 रुपए आपको। हरि सिंह मतलब बड़ा खुश होता है। अनिल टोल्ड दैट ही हैड मेड सम मनी एंड ही वुड पे हरि सिंह रेगुलरली। वो कहता है वो रोजाना या जैसे भी कुछ पैसे कमाया करेगा, लेकिन वो हरि सिंह को रोजाना थोड़े बहुत पैसे दिया करेगा। Actually, Anil knew everything about the theft, but neither his lips nor his eyes showed anything. Narrator, यानी हरि सिंह को भी ये बात पता होती है कि अनिल को सब चीज के बारे में पता है, तो ना ही तो वो कभी जाहिर करता है अपने होठों पर इस बात को लाता है, ना कभी उसे बोलता है, ना ही उसकी आंखों में मतलब इस तरीके से उसे दिखता है कि वो उसे शक की निगाह से देख रहा है। तो ये चीजें जो है उसके पूरे कैरेक्टर को भी चेंज कर देती है अनिल के, और हरि सिंह को तो पूरी तरीके से उन्होंने बदल ही दिया है कि हरि सिंह जो है एक चोर से और एक अच्छा इंसान बन जाता है, जो कि बहुत जरूरी बात है। और ये सारी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ समरी है, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस अलग से डाल दी गई है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के एक साथ कंबाइन करके डाल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी हैं, ताकि आप उन्हें खुद से सॉल्व कर सके, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।